हाय फ्रेंड्स मैं हूं केशव कुमार साहू और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये मेरी बजाज चेतक 99 फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा फ्रेंड्स ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप जल्दी से मेरा वीडियो देख पाएँ फ्रेंड्स मुझे बहुत दिन से कुछ कॉमन मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर और कुछ कमेंट भी आए थे फ्रेंड्स एक जो प्रॉब्लम है वो बहुत लोग का रहता है वो प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि हमारे स्कूटर में करंट तो आ रही है हमारे स्कूटर में करंट आ रही है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है तो अभी अभी एक और भाई का कमेंट आया था और वो बोल रहे थे भैया प्लीज़ जल्दी से बताइए मेरे गाड़ी में करेंट आ रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं है हो रहा है तो कारण क्या हो सकता है तो फ्रेंड्स आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ अगर आपके स्कूटर में करेंट आ रहा है और करंट आ रहा है तो क्या क्या और प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपकी स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रही है तो आपको ये सब कुछ चेक करना है ठीक है फ्रेंड्स और उसके लिए मैं आपको बता दूँ ये साइड पैनल ओपन करना होगा और साइड पैनल ओपन करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स तो देखिए अगर गाड़ी में करंट आ रही है गाड़ी में करंट आ रही है तो ये है आपको एक चीज़ चेक करना है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं अगर आपकी गाड़ी में फुल करेंट आ रही है तो पेट्रोल का भी कारण हो सकता है या तो फिर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है या अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल है तो हो सकता है वो कार्बोरेटर से इंजन में नहीं जा रहा होगा ठीक है फ्रेंड्स तो कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है करेंट आने के बावजूद तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चेक करना है ठीक है फ्रेंड्स तो जल्दी से मैं आपको साइड पैनल ओपन करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको चेक करना है इसके तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे होंगे मैं अपना साइड पैनल ओपन किया हूँ और अभी ये देखिए मेरी गाड़ी के जो इंजन है तो अगर आपकी गाड़ी में करंट आ रही है तो मैं एक बार और आपको बताता हूँ पहले भी मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ आपकी गाड़ी कभी भी स्टार्ट नहीं होती है स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है तो सबसे पहले आपको जो यहाँ से जो करंट आती है आपकी ग्रीन कॉइल है पिकअप कॉइल है ये आपको चेक करना है यहाँ से जो है आप कनेक्शन ये है ये वाला तो यहाँ आपको पहले चेक करना है मैं इसका एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ वो भी फुल डिटेल में तो आप वो वाला वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आने वाला है ठीक है यहाँ करंट आना चाहिए अगर यहाँ करंट आ रहा है तो फ्रेंड्स ये जो कनेक्शन आया है आपका सी में ठीक है अब मैं सी का भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपका सी ख़राब है या सही है आपको पता कैसे चलेगा तो ये भी म वो वीडियो आप देख लीजिएगा अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ से करेंट यहाँ आना चाहिए यहाँ आ रहा है तो फिर ये पीछे आप ये देख रहे होंगे जो कनेक्शन गया हुआ है तो इसमें करंट आना चाहिए यहाँ से यहाँ आना चाहिए सी से फिर लीड कोयल में आना चाहिए और लीड कोयल से फिर ये प्लग में आना चाहिए ठीक है फ्रेंड्स अगर यहाँ करेंट आ रहा है मैं पहले ही बता रह, बता चुका हूँ कि करेंट फुल आना चाहिए ऐसा नहीं थोड़ा करंट आएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगा और लाल करंट नहीं आना चाहिए करंट जो आता है ना आप देखेंगे जैसे हम लाइटर घर में यूज़ करते हैं तो हल्का ब्लूइश टाइप में आती करंट तो उस टाइप में आना चाहिए ठीक है अब जैसे मैं उनसे बात किया था तो वो बता रहे थे कि मेरे स्कूटर में तो करेंट आ रही है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो उनको मैं ये बोला कि आप अपने गाड़ी में पेट्रोल तो देखिए पेट्रोल है वो बोले कि पेट्रोल गाड़ी में है अब आपको ये चेक करना है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल जा रही है कि नहीं कार्वेटर तक पेट्रोल आ रही है और यहाँ आने के बाद ये इंजन में जा रही है कि नहीं ये आपको चेक करना है तो चलिए मैं आपको ये कार्वेटर का जो कैप है उसको ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद आपको दिखाऊँगा कि इसको कैसे चेक करना है तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको ये जो दो स्क्रू दिख रहा है एक ये, ये है और एक ये अंदर में है तो ये दोनों का आपको ओपन करना है और चलिए मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए मैं इसका कैप रिमूव कर चुका हूँ ये बाहर आ चुका है ठीक है अब आपको क्या करना है ये देखिए जो एयर फिल्टर है इस एयर फिल्टर को ओपन करना है और ये जो आप देख रहे होंगे ये जो रबर है ये आर स्क्रू ये है जो आपका जैसे आपको मालूम होगा ये आर स्क्रू है जिससे हम अपनी गाड़ी की रेस कम ज़्यादा करते हैं तो ये सेंटर वाले को आपको कुछ नहीं करना है एक ये हो गया दोनों साइड के जो नट है उसको ओपन करना है ठीक है तो जल्दी से मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ ये तो ये देखिए एयर फिल्टर है और इसका मैं स्क्रू ओपन किया हूँ तो इसको आपको निकाल लेना है बाहर ये देखिए और इसकी जो कंडीशन है थोड़ी अभी ख़राब है बोलिए थोड़ा हल्का गंदा है ज़्यादा नहीं है अब आप ये देख रहे होंगे ये है इसका कार्बोरेटर, ठीक है और आपको अपने गाड़ी को पेट्रोल ऑन करना है पेट्रोल ऑन करने के बाद अपनी गाड़ी को झुकाना है आप जब झुकाएंगे ना तो ये जो दिख रहा है यहाँ से आपको पेट्रोल यहाँ से दिखेगा ये जो आप देख रहे हैं ना इससे आपको पेट्रोल दिखेगा अंदर की ओर तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ जैसे हम अपनी गाड़ी के एक्सलेट करते हैं तो ये जो कैप है ना वो देखिएगा वो रिमूव होगा देखिए ये देखिए तो जब आपने गाड़ी को एक्सीट करते हैं ना तो यहाँ से जो पेट्रोल है वो जाती है इंजन पे तो अपने को करना क्या है पेट्रोल आपका ऑन है या रिजर्व है जो भी है आप उसको सेट करिए और अपने गाड़ी को जब अगर आप झुकाएंगे जुक, ना तो आप देखेंगे कि वहाँ से आपको पेट्रोल दिखेगा मतलब अंदर जाते हुए दिखेगा तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ये देखिए, जैसे मैं अपने स्कूटर को झुकाया हूं तो आप देख रहे पेट्रोल जाने लगा है तो फ्रेंड्स आपको ऐसे चेक करना है और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है तो आप ये जो स्क्रू देख रहे हैं ना ये दस बारह नंबर के रिंग पाना से ये खुलते हैं तो आप इसको ओपन करिए और फिर यहां से जब पेट्रोल ऑन करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे पेट्रोल आ रहा है अगर यहां आ रहा है और यहां नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है ये जो जेट देख रहे हैं दो जेट है यहाँ पर ये दोनों जेट को ओपन करना है और इसको साफ़ करना है ठीक है फ्रेंड्स अगर आपके स्कूटर में पेट्रोल नहीं आ रहा है तो ये आपको चेक करना है ठीक है तो एक कारण ये फ्रेंड्स दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी जो सीडीआई है आपको मालूम होगा आपके जो स्विच है उससे आपकी गाड़ी की इंजन है ऑन ऑफ होती है तो इसमें कभी एक, एक मैं वायरिंग डायग्राम बना चुका हूँ तो उसमें आप देखिएगा कि सी से कौन सा दो कनेक्शन है जो आपका की में गया है तो आप उसको भी चेक करिएगा ठीक है फ्रेंड्स तो अगर आपके स्कूटर में करंट आ रहा है और अगर स्टार्ट नहीं होता है तो आप ऐसा करके देखिए और मैं आपको बता दूं कुछ ही एक ही तो प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होता बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है जब करंट आ रहा है तो गाड़ी स्टार्ट होता ही है तो आपको ये कर लेना है ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आपको आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें